श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज मैं एक ऐसे मंत्र के विषय में बात करने वाला हूँ जो एक यंत्र को रखने वाली डिबिया को सिद्ध करता है। आप लोगों ने बहुत जगह पर अगर आप सर्च करेंगे गौ योगिनी के बारे में तो आपको बहुत तरह की साधनाएं मिलेंगी, अलग अलग बातें मिलेंगी कि इससे मोहिनी हो जाती है, इससे मारण हो जाता है, इससे कुछ हो जाता है। लेकिन फैक्ट ये है कि अधिकतर लोग गौ जोगनी के बारे में जानते नहीं हैं। सबसे प्रथम बात, जोगनी का अर्थ क्या होता है? जोगनी का अर्थ होता है वो 64 योगिनियाँ जो योग में पारंगत थी। और जब आप योगिनी की साधना करते हो तो आपको योग विद्या की प्राप्ति होती है। योग विद्या की प्राप्ति होने का अर्थ होता है कि आपको अपने शरीर के कैपेसिटी से ऊपर कोई विद्या मिलती है। जब भी आप योगा करते हैं तो आप अपने फिजिकल कैपेसिटी से आगे बढ़ते हैं। गौ योगिनी का जब आप वर्णन सुनते हैं तो ऐसे बताया गया है आज तक कि ऐसे कि कोई योगिनी है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए और ये हास्यास्पद भी है कि गौ योगिनी जैसी कोई योगिनी नहीं होती। 64 योगिनी में या तिब्बतन तंत्र की भी योगिनियों में गौ योगिनी का कोई वर्णन नहीं है, मतलब गाय जैसी योगिनी नहीं। गौ शब्द हिंदी से नहीं आता, गौ इसका असली उच्चारण है। और ये उस डिबिया को कहते हैं, उस डिबिया को योगिनी के रूप में सिद्ध किया जाता है जिसमें कोई भी तांत्रिक शक्ति की ताबीज़ या किसी देवता की तस्वीर को रखा जाता है। तो उसको भी जागृत करना बहुत अनिवार्य होता है। और उसको जगाने से जो योगिक शक्ति होती है उसके अंदर रखी हुई जो भी प्रकृति हो, जो भी तंत्र हो, जो भी यंत्र हो, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस शक्ति को, ताबीज़ की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसको एक योगिनी का स्वरूप माना गया और उसको बोला गया गौ योगिनी। गौ एक शब्द है। ठीक है, तो इनकी साधना कैसे होती है? आप सबसे पहले एक लॉकेट ले लें जिसपे एक योगिनी की तस्वीर बनवाएं जो कि महिला स्वरूप हो। ठीक है, जो देवी स्वरूप हो, है ना, और एक हाथ उनका अभय मुद्रा में हो, एक हाथ वरदान मुद्रा में हो। तिब्बतन जो तंत्र है उसमें इनका एक अलग स्वरूप होता है। ठीक है, और उसमें एक जो भी ताबीज़ आपको रखनी है उसको आप रखने की तैयारी रखें, या कोई तस्वीर रखनी है उसको रखने की तैयारी रखें। इसको रख के आपको 5 शुक्रवार इसकी पूजा करनी होती है। ठीक, 5 शुक्रवार जब आप पूजा करते हैं तो ये जो आपका घव है, जो आपका ताबीज़ है, ये सिद्ध हो जाता है। इसके जो भी आप तांत्रिक पद्धति यंत्र इसमें रखेंगे वो और ज़्यादा जागृत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए तैयारियाँ क्या क्या होंगी? सरसों तेल का दीपक, उस पे चमेली का इत्र, साथ में एक चमेली की माला जो आप इस घव पे चढ़ाएंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि इसमें कोई घव योगिनी आपके पास दौड़ती हुई चली आएगी। तो ये करके उसके बाद एक माला आपको हर शुक्रवार को जाप करना है। मंत्र क्या है? मंत्र है अगारी जो गुरु यागे, जोगिन गुरु दंड बतियां, करिया बलियां, री जोगन मुख अनरीता, गायती रही रीतियां, गो जोगिन चल इन अकेलियां, गो मारे है तालियां, गो जोगिन बंधाओ नजरियां, गो जोगिन आ पाहियां, ना आए तो दुहाई मैया बनीता की, दुहाई सलीमा पैगंबर की, दुहाई सलाई छू। ठीक है, बहुत विचित्र सा मंत्र है और ये विधान भी बहुत अलग है, क्योंकि जब हम विधान करते हैं तो हम उसको मानते हैं कि जो हमने तंत्र करके और जो यंत्र बना दिया वही काम करेगा, उसको किसी भी डिबिया में भर दो। उसी तरीके से घाव एक यंत्र होता है मेटल पीस पर, और जो योगिनी का यंत्र बनता है या फिर जो योगिनी की तस्वीर के साथ जो यंत्र बनता है उसको बोलते हैं घाव योगिनी। ठीक है, तो ऐसा आप लोग
घौ योगिनी की साधना करें। मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत विचित्र सा मंत्र है, योगिनी की तस्वीर बनाएं, जिस भी योगिनी की साधना करनी है उसकी तस्वीर बना लें, या किसी देवता की तस्वीर बनाएं और ऊपर एक योगिनी की तस्वीर बनवाएं मेटल में, और उसके बाद उसको अमुक मंत्र से 5 शुक्रवार तक सिद्ध करें, तो वो मेटल का जो बॉक्स है उसमें अलग शक्ति आएगी, जो अंदर तंत्र है उसका एक अलग शक्ति होगा, जिसको अलग से तंत्र या यंत्र का प्रयोग नहीं करना है, वो सिर्फ उस जो आपका लॉकेट है उसमें योगिनी की तस्वीर बना के अमुक योगिनी के नाम से उसकी पूजा करें 5 शुक्रवार, तो भी उस योगिनी की शक्ति उसमें आ जाती है। अब ध्यान रखना, घौ योगिनी नहीं होती है, घौ योग एक लॉकेट को बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें साधना का जो शुरुआती विधान है वो हम आपको बताते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ @CM4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए मेरा एक वेबसाइट है जिसमें मैं और मेरे जैसे अन्य साधक अपने लेख साझा करते हैं, वेबसाइट है www.aghortantra.com, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आप सभी पर भगवती सरस्वती की कृपा रहे ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदि जला खारी।